हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग गाइस, हैप्पी इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। इस रीडिंग में चेक करने वाले हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स और शाम को क्या है, क्या है इनका इवनिंग थॉट्स, आपके लिए सिचुएशन क्या है इनका। चलिए इन पर फोकस बनाकर रखिए, इनसे कनेक्ट होने की कोशिश करें। साथ में यूनिवर्स से प्रे कीजिए कि वो आपको इस रीडिंग के थ्रू सही गाइडेंस दे, आपको क्लैरिटी प्रोवाइड करें। आपके पार्टनर की फीलिंग्स करेंटली क्या है, क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर आपके बारे में। ओके, आउटकम क्या है इस रिश्ते का, यूनिवर्स मुझे क्लियर कीजिए। ओके, ठीक है। आपके पर्सन आपसे भाग रहे हैं, ये पर्सन आपसे मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, आप ऐसा फील कर रहे हो। ये पर्सन आपसे दूरियां बना रहे हैं, ये पर्सन आपको भूल रहे हैं या भूल गए हैं। इस पर्सन ने काफ़ी दिनों से आपसे बातचीत नहीं किया है, आपने कितना ज़्यादा इनसे बातचीत करने की कोशिश किया, इनके सामने गिड़गिड़ाए, रोए, इनसे आपने जवाब जानना चाहा कि पर्सन ऐसे ट्रीट क्यों कर रहे हैं, आपसे बातचीत क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों दूरियां बना रहे हैं, आपको समझ नहीं आई। ये पर्सन आपसे भागते रहे या चीट करते रहे, ये पर्सन किसी और के साथ चले गए, किसी और के साथ हैं, ऐसा हो सकता है। आपको धोखा देकर, आपके साथ चीट करके, आपके साथ विश्वासघात करके किसी और के साथ चले गए, या इस पर्सन के लाइफ में ऑलरेडी कोई और थे, आपको इस बारे में पता नहीं था, इस पर्सन ने धोखा दिया है आपको, ठीक है। इस पर्सन के लाइफ में कोई और रहे हैं, आप नहीं जानते थे, और अब ये चीज़ आपके सामने आ गई है। पर आप आज भी इस पर्सन को चाहते हो, अगर ये आपके पास आते हैं तो आप इनको माफ़ करके अपना लोगे, ये आपकी एनर्जी है। अगर ये चीटर हैं फिर भी, अगर इस पर्सन के लाइफ में कोई और हैं फिर भी, आप इनको अपना लोगे, आप इनको एक्सेप्ट कर लोगे अगर ये पर्सन आपके पास आते हैं तो। पर मैं आपको बता देती हूँ, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, धोखेबाज हैं, कोई और है इस पर्सन की लाइफ में, या हमेशा डिस्ट्रैक्शन रहा है, कभी ये पर्सन लॉयल सीरियस नहीं रहे हैं किसी के लिए, ये पर्सन आपको हर्ट पहुंचाते रहेंगे। हाँ, कुछ लोग ले देख पा रही हूँ, ये पर्सन उनको भी चाहते हैं, आपको भी चाहते हैं, बैलेंस बनाकर चलना चाहते हैं, और भाव इतना ज़्यादा खा रहे हैं कि पूछो ही मत, ठीक है। खुद को कुछ और ही समझ रहे हैं, चीटर होने के बावजूद भी, इतना आपको हर्ट पहुंचाने के बावजूद भी, कुछ खुद की गलती होने के बावजूद भी, कभी एहसास भी ना होना कि मेरी क्या गलती है, ऐसे ट्रीट करना कि आपकी ही कुछ गलती है। अगर आप लॉयल्टी मांग रहे हो, इस पर्सन का साथ मांग रहे हो, या आप इस पर्सन से बातचीत करना भी चाहते हो, मीटिंग भी करना चाहते हो, तो ऐसे ट्रीट करना, ऐसे बिहेव करना कि आपने कुछ ज़्यादा ही मांग लिया है। ये पर्सन आपको दे रहे हैं, आपसे बातचीत कर भी रहे हैं, तो आप पर कुछ उपकार कर रहे हैं, ऐसे ट्रीट करना। अगर ये सब है तो किसी गलत इंसान के चक्कर में हो, आप मूव ऑन कीजिए, क्योंकि ये पर्सन आपको दर्द, टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन, हर्ट के अलावा, थर्ड पार्टी के अलावा कुछ नहीं देने वाले। अगर आप इनके पीछे पड़े भी रहते हो और थर्ड पार्टी है, आपको कुछ नहीं मिलने वाला गाइस, ये पर्सन आपको हर्ट ही करेंगे, जो कि ऑलरेडी करते आए हैं। अगर ऐसा है तो प्लीज निकलिए, आपकी रीडिंग में आया है, मैं यूं ही नहीं कह रही हूं, ठीक है। सबके लिए आपकी पार्टनर चीटर नहीं है, कुछ लोग मुझे ये दिखाई दे रहे हैं, आपके पर्सन आपका साथ चाहते हैं, आपके पार्टनर अपनी फैमिली को मना रहे हैं, अपनी मदर से बात कर रहे हैं, ये किसी फीमेल एनर्जी से बातचीत कर रहे हैं, कंटिन्यूसली उनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पर्सन आपसे बातचीत नहीं कर रहे हैं, दूरी बना रहे हैं, क्योंकि इनकी एनर्जी ऐसा है। अगर ये पर्सन आपको खुशी दे सकते हैं, स्टेबिलिटी दे सकते हैं, अगर आपके साथ लॉयल रह सकते हैं, तभी आपके पास आएंगे। अगर इस पर्सन के पास कुछ हुआ आपको देने को, तभी ये पर्सन आपकी ओर आएंगे। तो ये पर्सन कंटिन्यूसली अपने मदर को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी फैमिली को, पर उनका एक्सेप्टेंस नहीं मिल पा रहा है, या इनका रिश्ता कहीं और देखा जा रहा है, पर ये पर्सन आपका साथ चाहते हैं, मुझे एनर्जी दिखाई दिया है। कुछ लोग ये पर्सन आपके हस्बैंड वाइफ हैं, इनके साथ आपके बेबी हैं, बच्चे हैं, कुछ फैमिली मैटर चल रहा, ऐसा हो सकता है। अगर यहाँ पर आप राइट हो तो ये पर्सन आपको सपोर्ट करेंगे, आपका साथ देंगे। अगर इनके साथ आपका बेबी है, आप इनके हस्बैंड वाइफ हो, ये पर्सन आपको चुनते हुए, आपको चूज करते हुए, आपके साथ मुझे आते हुए, आगे बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। और अगर ये पर्सन किसी और के हस्बैंड वाइफ हैं, शादी होने जा रही है या हो रखी है, ये पर्सन कभी आपके लिए सीरियस नहीं है। रीडिंग में क्लियरली आ रही है, ये पर्सन आपका हार्ट ब्रेक करके कहीं और जा रहे हैं, ठीक है।
और जैसे कि कुछ लोग के लिए मैंने आपको बताया कि आपके पार्टनर आपके लिए राइट हैं, आपको ये चीज़ पता है, ये पर्सन लॉयल हैं, ऑनेस्ट हैं, आप दोनों की सेम एनर्जी है, दोनों एक दूसरे से बहुत बेइंतहा वाला प्यार करते हो, पर फैमिली इशू चल रही है यहाँ पर, तो आपके पार्टनर आपसे यूनियन में ज़रूर आएंगे, उनको मना कर आप दोनों के बीच बैलेंस करके या तो आपका साथ चुनेंगे, ये तो बैलेंस बनाकर जो भी हो आपका साथ चाहते ही चाहते हैं ये पर्सन, ठीक है, चाहे जैसे भी हो, कितना भी वक्त लगे मनाने में, एक्सेप्टेंस में, फैमिली के, मदर के, पर ये पर्सन करेंगे, आपको धोखा नहीं देंगे अगर ये आपके लिए राइट हैं, अगर आप दोनों के बीच ट्रू लव है या आपने फील किया है, या आपके ट्रू पार्टनर हैं, आपके ट्रू लव हैं या आपने फील किया है, महसूस किया है, ये चीट नहीं करेंगे, जितना भी मर्जी आप दोनों के बीच कोई आ जाए, आप दोनों के बीच दूरियां आ जाए, फुट डालने की, लोग भड़काने की कोशिश करें, आप दोनों का रिश्ता ख़त्म करने की कोशिश करें, या कुछ वक्त तक आप दोनों नो कांटेक्ट में चले जाओ, आप दोनों का हार्ट ब्रेक होगा, दोनों का ही दिल टूटेगा अगर आप दोनों एक दूसरे से दूर होते हो, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, पर अगर प्यार सच्चा है, ट्रू है, तो दोनों वापस साथ में आओगे ही आओगे, सेकेंड चांस मिलेगा ही मिलेगा आपके रिश्ते को, अगर ये आपके डेस्टाइंड पार्टनर हैं, अगर ये पर्सन आपके ट्रू लव हैं तो, ठीक है। आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है बता देती हूँ, आपके पार्टनर खाट मुझे ब्रेक दिखाई दे रहे हैं, किसी के साथ थे, थर्ड पार्टी में थे, इनका रिश्ता टूटा हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, कोई पर्सन इस पर्सन को अपने लाइफ में अलाउ नहीं कर रहे हैं, इनको धोखा मिला, इनको चीट मिला है किसी को, ठीक है। और कुछ लोग ले आपके जो पार्टनर हैं इनकी लाइफ में, इनके फैमिली में किसी का सर्जरी हो रहा है, किसी को हेल्थ इशू हो रहा है, ऐसा मुझे कुछ दिखाई दे रहा है, तो ये पर्सन काफ़ी उदास हैं अपनी सिचुएशन को लेकर, कुछ प्रॉब्लम चल रहे इस पर्सन की लाइफ में, इस पर्सन की लाइफ में प्रॉब्लम चल रहे हैं, आपके पार्टनर मुझे हार्ड वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कैरियर पर फोकस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपने लाइफ को ट्रैक पर लाने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हो रही सॉल्व करते हुए करने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपके पार्टनर मुझे उदास दिखाई दे रहे हैं, अगर ये आपके लिए राइट हैं, ट्रू लव हैं, आपको लेकर सीरियस हैं, मदर और आपके बीच बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं, एक्सेप्टेंस नहीं हो पा रहे हैं, तो आपके पर्सन उदास हैं, चाहते हैं मान जाए वो, ठीक है, कंटिन्यूसली मुझे एफर्ट्स करते हुए दिखाई दिए हैं, तो आपके रिश्ते को सेकेंड चांस ज़रूर मिलेगा। ये है गाइस आपकी रीडिंग, लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, प्राइवेट रीडिंग बुक करना चाहो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप चेकआउट कर सकते हो, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, बाय, टेक केयर।